सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले डेफिनेशन का रिव्यू देख लेते हैं खाली। देखो पहले लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मैंने मल्टी डायमेंशनल आपको बताया था, क्यों मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है, बिकॉज इट कवर्स नॉट ओनली इकोनॉमिक आस्पेक्ट बट ऑल्सो पोलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल आस्पेक्ट अलॉन्ग विद दैट। देन आफ्टर इसमें ये लिखा गया है सेकेंड डेफिनेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जब जिसके होने के कारण जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ती नहीं या तो डिक्रीज होती है या तो बढ़ती नहीं, और दूसरा इनइक्वालिटी इंक्रीज नहीं होती या तो डिक्रीज होती है, और कंटिन्यूस इंक्रीज एक ही चीज में होता है, और किसमें इंक्रीज होता है, पर कैपिटा इनकम के अंदर, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो तीन चेंजेस, एक तो गरीबी यानी गरीबी के अंदर कोई चेंज ना या तो वो कम हो, दूसरा इनइक्वालिटीज के अंदर कोई चेंज ना या तो वो कम हो, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, राइट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस जिसके अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते हैं और नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन उसमें चेंज होके नई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आती है, पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। नाउ अब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो वही चीज जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन में समझाई ना, उसको जिसके अंदर क्या किया गया डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। तो फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वो चलता रहने वाला प्रोसेस है। याद रखो पहले लिखा है स्लो एंड देन आफ्टर स्ट्रॉन्ग, दो चीजें स्लो एंड स्ट्रॉन्ग, तो इसको अंडरलाइन करना है स्लो एंड स्ट्रॉन्ग, और उसका ऑर्डर आपको पता है। फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू, आपकी इकोनॉमी के अंदर जब भी डेवलपमेंट होता है ना, तो डेवलपमेंट में सबसे पहली बात क्या की जाती है, उसके अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट किया जाता है, दैट मींस ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्चा किया जाता है, बच्चों की हेल्थ सुधरे उसके ऊपर खर्चा किया जाता है, एंड देन आफ्टर उसके बाद में हम दूसरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो पहले प्री डिटरमाइन ऑर्डर और डायरेक्शन इन एनी कंट्री, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इज इजी टू स्टार्ट, अंडरलाइन करो इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन, स्टार्ट कर सकते हो मेंटेन नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार अपने सामने ये आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना होना चाहिए उतना हमारी कंट्री के अंदर नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूजुअली फास्ट इनिशियल, यानी शुरुआत में बहुत जल्दी होता है, बट स्लोज डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन धीमे धीमे बाद में ये धीमा हो जाता है। रीजन एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, व्हेन यू पुट अ बकेट अंडर द टैप ऑफ वाटर, जब उसको भरने की स्टार्ट करेंगे तो फटाफट वो हम उसको फुल स्पीड में भरना शुरू कर, लेकिन जब भरने आएगा तब धीमे धीमे उसको धीमा कर देंगे। सेम हियर कि जब अपने कंट्री के अंदर किसी भी तरह का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं तब डेवलपमेंट फास्ट करने की हम भी ट्राई करेंगे, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन कंप्लीट डेवलपमेंट या तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, तो उसके बाद में उसका प्रोसेस धीमा हो जाए। तो इसमें क्या देखा हमने, पहली बात तो स्लो एंड स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, वो भी प्रीडिटरमाइन ऑर्डर के अंदर और डायरेक्शन में, दूसरी बात इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन, और तीसरी बात इनिशियली फास्ट होता है एंड देन आफ्टर स्लो हो जाता है। इन चीजें फर्स्ट पॉइंट में। नाउ सेकंड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस, यानी आउटपुट इंक्रीज होना क्वांटिटेटिव, लेकिन रिसर्च के कारण क्वालिटी इंप्रूव होना वो क्वालिटेटिव आपके लिए हो जाता है, बट डेवलपमेंट ज्यादा क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट ज्यादा क्या होता है, क्वालिटेटिव के अंदर गिना जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चेंज इन डिमांड, देयर इज राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल ड्यू टू डेवलपमेंट विच चेंजेस देयर टेस्ट, यानी देखो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द डिमांड फॉर बेसिक और प्राइमरी गुड्स राइज, बट सब्सिक्वेंटली देयर इज अ राइज इन द डिमांड फॉर कम्फर्ट एंड लग्जरी गुड्स। तो देखो सेकंड में क्या देखा हमने, चेंज इन सेकंड में आपने देखा चेंज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ, अब थर्ड के अंदर अपने क्या देखेंगे, डिमांड चेंज हो। शुरुआत में जब डेवलपमेंट होता है ना तो उस वक्त लोगों के पास बहुत गरीबी है, तो गरीबी के अंदर से धीमे धीमे जब लोग बाहर आते हैं ना
शुरुआत में तो वो अपनी है ना बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना सोचेंगे, लेकिन उसके बाद में तो धीमे धीमे क्या करेंगे, कंफर्ट और लग्जरीज की तरफ आगे। कंफर्टेबल लाइफ कब आई, जैसे इंडिया का डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ ना उस वक्त देखे ना तो टू व्हीलर भी एक लग्जरी था, टू व्हीलर भी क्या था, एक लग्जरी था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे साइकिल होना लग्जरी था, लेकिन धीमे धीमे वो किस में आ गया, नेसेसिटी के अंदर। फिर देन आफ्टर अगर स्कूटर की बात करें तो वो पहले लग्जरी था, फिर कंफर्ट हुआ, वो नेसेसिटी में आ गया है ना। अभी कार की बात करें तो कंफर्ट में आ गया, अब लग्जरी नहीं रही है वो, राइट। तो वैसे ही प्लेन से ट्रैवल करना, एक कंपनी थी लेकिन उसकी भी फ्लाइट खाली जाती थी, एयर इंडिया। लेकिन आज अपने देखते हैं कितने सारे कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी हर फ्लाइट के अंदर अपने देखते हैं कि बुकिंग नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये डेवलपमेंट के साइंस है कि शुरुआत में डेवलपमेंट में आप है ना बेसिक नेसेसिटीज या तो प्राइमरी नीड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, देन आफ्टर यू स्टार्ट परचेजिंग कंफर्ट एंड लग्जरीज। अब तो इसमें क्या करेंगे अपने, चेंज इन डिमांड के अंदर क्या देखेंगे कि टेस्ट के अंदर चेंज आता है वो अंडरलाइन करेंगे, एंड राइज इन डिमांड फॉर कंफर्ट एंड लग्जरी। नाउ लेबर बिकम्स मोर डायनामिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक, डायनामिक का मतलब चेंज होना, फ्लेक्सिबल होना। अब एक इंसान को एक ही काम आता तो दैट मीन्स कि वो फिक्स्ड है, वो रिजिड है, लेकिन अगर एक इंसान एक से ज्यादा जगह पे काम कर सकता हो तो दैट बिकम्स डायनामिक। तो आपको जहां ज्यादा सैलरी मिलेगी ना वहां आप चले जाओगे, दैट इज डायनामिक। तो लेबर क्या बनता है, मोर डायनामिक बनता है। तो एजुकेशन इंक्रीज होना उसके कारण, तो इसमें अंडरलाइन क्या करना है, इंक्रीज इन एजुकेशन। अगर एजुकेशन इंक्रीज होता है तो लेबर एक से ज्यादा जगह पे काम कर पाएगा, तो वो अपनी स्किल को और अपने एजुकेशन को कहाँ पे यूज करना है वो खुद तय करता है, डिपेंडिंग अपॉन वेजेस अवेलेबल टू हिम। देन आफ्टर इंक्रीज इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब सवाल के कैपिटल फॉर्मेशन यानी क्या, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग आप एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे, अलोंग विद दैट आप सेविंग्स भी बढ़ाओगे। दिस इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, अगर आपकी इनकम 10% इंक्रीज होगी ना तो आपका कंजम्पशन 10% इंक्रीज नहीं होगा। इंसान की हमेशा टेंडेंसी रहती है कि जितनी भी बड़ी हुई इनकम है उसमें से ज्यादा सेविंग्स करे, खर्चा कम करे, सेविंग्स बढ़ाए। ठीक है, सेविंग्स किसके लिए करनी है, तीन अलग अलग रीजन से। एक तो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए यानी रोज के खर्चे के लिए, राइट। दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, मतलब कल जाके कोई बीमार हुआ घर के अंदर तो उसकी दवाई का खर्चा कहाँ से करेंगे उसके लिए। और तीसरा है स्पेक्यूलेटिव मोटिव, मतलब मैं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूँ, पड़ा हुआ है पैसा, यूज नहीं करता हूँ मैं अभी, तो मैं उस पैसे को पड़ा हुआ नहीं रहने देना चाहता, मैं उसको मल्टीप्लाई करना चाहता, दैट्स वाई मैं शेयर मार्केट में उसका स्पेक्यूलेशन करता हूँ, दिस इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव। तो ये इतने अलग अलग तीन मोटिव के कारण इंसान क्या करता है, सेविंग्स करता है। अब सेविंग जब होता है ना वो सेविंग कहाँ जाएगा, घर में तो रहेगा नहीं, वी पुट आर ऑल सेविंग्स इन बैंक, अब बैंक उसमें से किसी को लोन दे, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन, कि आपकी सेविंग्स लेकिन दूसरे के लिए वो कैपिटल बन जाती है, आपकी सेविंग्स दूसरे के लिए क्या बन जाती है, कैपिटल। यानी अगर उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा एट दैट टाइम ही विल यूज योर सेविंग विच इज पुट इन टू द बैंक, तो उसको यूज करके वो क्या करेगा, और ज्यादा आगे प्रोडक्शन कर पाएगा, दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ लिखा है डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डिफरेंट कॉमोडिटीज, न्यू एंटरप्राइजेस कम फॉरवर्ड ड्यू टू विच, अंडरलाइन करो द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज एनर्मसली, यानी बहुत ज्यादा यूजली इसको बोला जा सकता है एनर्मसली का। तो एनर्मसली यानी ज्यादा इंक्रीज होना, एंड चेंज इन टेक्नोलॉजी देखे, देयर इज अ शिफ्ट इन डिपेंडेंस फ्रॉम फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी टू कोल एंड आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी विच रिजल्ट्स इन फास्टर डेवलपमेंट। पहले क्या था, फायर एंड वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी आग से सारे मशीन चलते थे, कैसे कोल यूज किया जा रहा था, और कोल से इंजन भी चलते थे रेलवे के। वाटर बेस्ड यानी क्या, कोल से पहले वाटर को जलाया जाता है यानी उसको उबाला जाता है, उसमें से जो स्टीम बनती है ना उस स्टीम से इंजन चलते थे, पर वो सब निकल गया, उसकी जगह पे अब क्या आया, आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई।
कोल एंड आयन बेस्ड टेक्नोलॉजी सीधा जिसको यूज करते थे। आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम्स अंडरलाइन करो सेल्फ मोटिवेटिंग लास्ट में। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब फायर एंड वाटर बेस से कहा जाएंगे अपने कोल एंड आयन बेस पे जाएंगे राइट। अब इसकी जगह पे लास्ट में लिखा है कि ये सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाएगा, एक बार डेवलपमेंट शुरू हुआ ना तो आगे उसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ वाइल्ड फायर, जंगल में आग लगती है ना वैसा, पर इसकी स्पीड कौन डिपेंड करता है? योर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। मैं बार बार दो दिन से बोले जा रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी आपकी सोसाइटी कैसे बनी है ना उसको भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बोला जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो पावर में उसको भी अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड करेंगे राइट। आपकी एजुकेशन सिस्टम भी उसके अंदर आ गई, सब चीजें उसके अंदर, कास्टिज्म भी उसके अंदर आ गया, पूरी सोसाइटी कैसे बनती है ना वो सब उसके अंदर इंक्लूड। सो सात पॉइंट है। तो पहला पॉइंट कौन बोलेगा? जो कंटिन्यूस प्रोसेस यानी क्या, उसमें मैंने तीन अलग अलग पॉइंट समझाया। पहला कौन सा? स्लो बट स्ट्रॉन्ग। दूसरा पॉइंट इजी टू स्टार्ट बट डिफिकल्ट टू मेंटेन। और तीसरा फास्ट इनिशियली बट स्लो डाउन। अब उसके बाद में सेकंड में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी में क्या, कितना प्रोडक्शन करते हो दैट इज क्वांटिटी, लेकिन रिसर्च से क्वालिटी इंप्रूव करे दैट इज क्वालिटेटिव। फिर उसके बाद में आता है चेंज इन डिमांड। इनिशियली डिमांड किसकी होती है? प्राइमरी गुड्स की, एग्रीकल्चर। लेकिन उसके बाद में डिमांड किसकी बढ़ेगी? कंफर्ट एंड लग्जरी की डिमांड इंक्रीज होगी। देन आफ्टर लेबर बिकम्स मोर डायनामिक। क्यों? इंक्रीज इन एजुकेशन के कारण। एक दो वर्ड याद रखने खाली पूरे पॉइंट में। देन आफ्टर इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। एंड उसके बाद में है चेंज इन टेक्नोलॉजी, कहाँ से कहाँ जाते हैं? फायर एंड वाटर से कोल एंड आयन की तरफ जाते हैं। एंड फाइनली उसके बाद में ये जो तुम्हारा डेवलपमेंट है वो कैसा हो जाएगा? सेल्फ मोटिवेटिंग हो जाएगा राइट। सो हियर ये आपका इसमें लिमिटेशन बाकी है, सॉरी क्योंकि लिमिटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ में तो हमने लिमिटेशन देखे, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट उसके भी लिमिटेशन है। देखो फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट्स द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, इट शोज द इकोनॉमिक सिनेरियो बट इन रियल सेंस, अंडरलाइन करो, इट कैन नॉट डिस्कस ह्यूमन डेवलपमेंट। पैसे तो आए लेकिन इंसान की लाइफ में सुधार हुआ कि नहीं वो पता नहीं चलता। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ वेरी वाइड टर्म। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या आता है? इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ, मोर्टालिटी यानी चाइल्ड मोर्टालिटी जिसको बोलते हैं, लॉन्जिविटी यानी मतलब कितने साल तक इंसान जिंदा रहता है, ऑल हेल्थ फैसिलिटीज उसके अंदर, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन आ गया, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम तो मैंने बोला, पर कैपिटा इनकम के अंदर इंक्रीज होना चाहिए, आपका कंपोजिशन जो चीज़ आप खर्च करते हो जिसके ऊपर वो खर्च कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर खर्च करते हो उसका कंपोजिशन चेंज होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज बदलनी चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर बदलना चाहिए, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट। पर यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात की गई, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं की गई। सो इट कैन नॉट बिकम द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो इंसान ने प्रोग्रेस किया कि नहीं वो पता नहीं चलता। अब अपने देखते हैं कि भूटान के अंदर लोग बहुत ज्यादा खुश हैप्पीनेस इंडेक्स में वो भूटान नंबर वन है। अब भूटान आप देखो तो कितनी छोटी कंट्री है पर हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर नंबर वन आता है पूरी दुनिया में। इंडिया 139 रैंक में देखो तो 182 कंट्रीज का हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाता है उसमें से 139 रैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करो तो अपना 100 के अंदर नंबर आता है, पूरा अंदर डबल डिजिट में अभी भी है, तीन डिजिट में गया नहीं है। पर उसके सामने दूसरी कंट्रीज देखो ना तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा आगे हो सकता है। तो इसका मतलब वहां तक पहुंचने में हमको सालों नहीं टेकेट्स लग जाएंगे ऐसा, बराबर है। तो ये जो है ना अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं लेकिन कभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात नहीं करते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकेला सिर्फ इकोनॉमी को इम्प्रूव करके फायदा नहीं है, इंसान की लाइफ यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन करो, कैन नॉट बी मेजर्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट मेजर कैसे करोगे बताओ?
हाउ कैन यू जज कि किसी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वो कैसे जज करेंगे? तो हमको उसके इंडिकेटर्स देखने पड़ते, देयर आर इंडिकेटर्स कि चलो सबकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई तो सोच लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सबके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट आया तो चलो के बराबर है, सबको हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस मिला तो इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। बट स्टिल ये जितने भी इंडिकेटर्स है टोटल 10 है, अब 10-10 इंडिकेटर्स को स्टडी करो तब जाके पता चलता है, लेकिन हर इंडिकेटर की अपनी अपनी खूबियां और खामियां दोनों है, उसके कुछ लूप होल्स भी है और कुछ उसके गुड पॉइंट्स भी है। तो ये देखने के बाद आपको पता चलता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स दोस चेंजेस दैट हैव हैपेंड इन द सोसाइटी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डेराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस। आप कैसे पता करोगे कि एजुकेशन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ? आप सब पढ़ते हो, 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ोगे, बराबर 12th पास करोगे तो इसका मतलब आप एजुकेटेड हो। फिर परसेंटेज देखेंगे, अब परसेंटेज देखने के बावजूद भी जिसके 89% भी आए उसको जॉब नहीं मिली तो हाउ कैन यू जज? तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मेजर किया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इम्प्रूव्स, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता है। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया टूडे, अंडरलाइन करो, देर इज नॉट मच इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, यानी लोगों के स्टैंडर्ड के अंदर इम्प्रूवमेंट आया ही नहीं। देर इज नॉट मच इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा ही। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ इम्प्रूव हुआ है, उल्टा तो खर्चा बढ़े जा रहा है। एडिबल ऑयल की बात करो, बताए आपको एडिबल ऑयल में क्या चेंज आया? कल एक डिसीजन लिया गया अपने एडिबल ऑयल यानी खाने का जो तेल होता है ना, सिंक तेल हो या फिर कपास या तेल हो, कोई भी ग्राउंड नट ऑयल हो या कॉटन सीड ऑयल हो या फिर सनफ्लावर ऑयल हो, उसमें से जो बेस ऑयल का आता है ना वो अपने बाहर से इम्पोर्ट करा दे। अब इम्पोर्ट ड्यूटी 2 साल तक उसके ऊपर की जो एक्साइज है ना वो सरकार ने खत्म कर दी, यानी 2024 के फेब्रुआरी तक एक्साइज ड्यूटी नहीं बनेगी इम्पोर्ट करने की। ये 12-15% होती है, तो 12-15% अगर एक्साइज ड्यूटी कम हो गई तो इसका मतलब अभी तेल का जो रेट है ना उसके अंदर 7-8% डिक्लाइन आएगा। अब 7-8% यानी तो भी कितना, क्योंकि कोरोना में 1200 रुपये का डब्बा लिया था, 15 किलो का डब्बा लीटर अलग होता है, 15 किलो का डब्बा कितने में 1200 रुपये में लिया हो और अभी 3000 का मिलता हो, तो अगर 200-300 रुपये कम भी होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, वो ओरिजिनल लेवल तक जाता ही नहीं है। और आपको पता है कि रिकॉर्ड ब्रेक प्रोडक्शन पिछले साल हुआ था ग्राउंड नट, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी होल्डिंग के कारण ये लोग है गुड्स होने के बावजूद भी बेचते ही नहीं है कि ये सब चीजों को है ना 2-3 महीने तक अपने आराम से रख सकते, उससे ज्यादा तेल का डब्बा उसकी शेल्फ वैल्यू बनने के बाद 1 साल तक चलता है, 12 महीने तक चलता है, उसको ओपन करने के बाद में 6 महीने तो वो दुकान में तो रहेगा तो 12 महीने तक रहेगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं उसको होल्ड करके रखते हैं, और होल्डिंग करेंगे तो जब तक प्राइस बढ़ेगी नहीं तब तक उसको बेचने के लिए ये लोग निकालेंगे नहीं। दैट्स हाउ। तो अब अपने जो मैटर है डिस्कस करने की वो कौन सी, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होता नहीं है। हम देख रहे हैं कि हर जगह डेवलपमेंट दिख रहा है पर डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर नहीं दिख रहा है। अपने देख रहे हैं कि चलो कल दिल्ली के अंदर इनॉग्रेशन किया इलेक्ट्रिक बसेस का, बराबर 50 इलेक्ट्रिक बसेस कल इनॉग्रेट की, पर वो इनॉग्रेट की जरूर लेकिन उसको यूज करने वाले कौन लोग हैं? तो जो पैसे वाले या तो मिडिल क्लास के अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, भाई जो गरीब है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वही का वही रहेगा। जितने भी आजकल प्रोग्राम्स होते हैं डेवलपमेंट के वो सारे प्रोग्राम्स में गरीबों का इंक्लूजन बहुत कम है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिनका इम्प्रूव होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। 3 चीजें यहाँ पे दिखी, पहली बात क्या, पहली बात ये कि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, दूसरा उसको मेजर नहीं किया जा सकता इकोनॉमिक ग्रोथ के जैसा, और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं होता।
ये गारंटी नहीं है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा ना। अब ये पॉइंट है, आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी ये टेस्ट में पूछूंगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट डिफरेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बारे नहीं, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा गया, तो अगर मैं आज तुमको बोलूं कि 6 लिखने के, तो तुम याद भी 6 करोगे, 3 6 ये कुछ नहीं देखने का, 3 मार्क का क्वेश्चन और 5 मार्क का क्वेश्चन और पूरा क्वेश्चन लिखो, आदत ये पड़ेगी ना तो ही तुमको अभी टाइम फूटेगा, लेकिन एग्जाम के अंदर तुम प्रॉपरली इसको जस्टिफाई कर पाओगे बराबर। नहीं तो क्या होगा कि याद करने में भी फिर ऐसा है कि 3 पॉइंट याद करके जाएंगे, फिर 5 मार्क का पूछ लिया तो क्या करोगे। दैट्स व्हाई डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, ये अलग है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज दैट प्रोसेस इन विच द इनकम ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस, ग्रोथ में इंक्रीज तो होती है लेकिन क्या नहीं होता, मैंने बोला डज नॉट ब्रिंग एनी इंस्टीट्यूशनल चेंज, आया नहीं वापिस, बार बार एक वर्ड आ रहा है इंस्टीट्यूशनल चेंज इन द इकोनॉमी, लोगों की साइकोलॉजी चेंज नहीं होती, लेकिन जब डेवलपमेंट आता है तो ये सारे चेंजेस भी होते हैं, इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है और लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो जेराल्ड मायर उसने ये बताया कि डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ प्लस चेंज, एमसीक्यू, किसने बताया, नीचे का 4 नाम लिखे जाते हैं। तो जेराल्ड मायर ने ये बताया क्या कि डेवलपमेंट का मतलब ग्रोथ प्लस चेंज, वी कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये बिल्कुल इजीली मैं आपको समझाऊं, एक एक वर्ड के ऊपर अंडरलाइन करते जाना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ अकरेंस, अकरेंस का मतलब एक इंसिडेंट है, एक इंसिडेंट है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ अपने इनकम इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं, जबकि ये पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरी बात, इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों, लेकिन ग्रोथ की बात करें ओनली क्वांटिटेटिव बराबर। नेक्स्ट देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आता है सॉरी, और यहाँ पे उसके बारे में आपने बात नहीं करते। द क्वेश्चन किसका आता है डेवलपमेंट में, अपने अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम किसके ऊपर देखते ध्यान देते हैं, खाली डिस्ट्रीब्यूशन, खाली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके अंदर आता है, डेवलपिंग कंट्री, जबकि ये डेवलप्ड कंट्री का ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी देखा डिफिकल्ट टू मेजर, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इजी टू मेजर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन जो ग्रोथ है वो नैरो, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकम को इंक्रीज करने की बात की जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग विद पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी पर हेड इनकम, उसके बारे में भी सोचा जाता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेटेड टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन विथ पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, ये डेवलपमेंट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, खाली ओनली पर कैपिटा इनकम, वो ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस, लेकिन ग्रोथ रैपिड प्रोसेस है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल है। कि आपने क्या देखा डेवलपमेंट की डेफिनेशन में, ग्रोथ प्लस चेंज, अभी ऊपर देखा ना जेराल्ड मायर की डेफिनेशन, ग्रोथ प्लस चेंज मतलब ग्रोथ प्री कंडीशन है, ग्रोथ का होना जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के, लेकिन ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट का होना जरूरी नहीं, राइट। तो ये 9 पॉइंट्स है, 5 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, रिमेंबर मैं बार बार बोलता हूँ, और इकोनॉमिक्स के अंदर कभी भी
पेपर स्टाइल के अंदर ऐसा लिखा ही नहीं है कि फलाने चैप्टर के अंदर से 5 मार्क का पूछा जाएगा, इट इज नॉट रिटन। ये चैप्टर का जो वेटेज है वो आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में पैम्फलेट के ऊपर लिखा हुआ है, बराबर है? तो वो जो है ना उसको आप देखते देखते याद करते जाइएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट 2.4, तो देखिए अब सवाल होता है कि इंडिकेटर्स का मतलब क्या, जो मैं आगे आपको समझा चुका कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको है ना कोर्स में खाली 4 है। एक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI और लास्ट में आता है HDI, ये 4 है। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स नंबर 1, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स नंबर 2, वो 2 भी आएगा। फिर उसके बाद में HDI ये ना तुम्हारा पुराना HDI दिया है 2010 के पहले का, 2010 के बाद दूसरा HDI है। HDI को इम्प्लीमेंट कराना और HDI को फॉर्म करने के अंदर इंडियन इकोनॉमिस्ट के भी कॉन्ट्रीब्यूशन को नोट किया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने HDI उसकी जो पैनल थी ना उसके लीड मेंबर वो थे चेयरमैन। HDI को 2010 के अंदर इन्होंने वापिस क्या बोलते हैं उसको रिकंस्ट्रक्ट किया उसको HDI को। एंड उसके बाद में ये देख लो PQLI ने, PQLI के अंदर भी वैसा, पर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सब कोई कंट्री नहीं देखती, सब कंट्री खाली एक ही बात करेगी HDI के बारे में। HDI में अपना जो रैंकिंग है वो लगातार खराब होता जा रहा है, जो इम्प्रूव होना चाहिए उसकी जगह पे क्या खराब होता जा रहा है, क्योंकि हमसे पीछे बहुत सारी कंट्रीज हमसे आगे निकल चुकी है। कारण ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही है, इसमें आप जो चीज को इंक्लूड कर दो ने उसको देखने के बाद इंडिया की हालत और ज्यादा खराब दिखती है। Has the country achieved economic development or not? If so, how fast it has taken place? How much is the economic development of the country? इसको मेजर करने के लिए और जानने के लिए हमको अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। सच फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को क्या बोला जाता है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या तो मेजरिंग रोड्स और स्टैंडर्ड्स, तीन में से कोई भी नाम दो काम एक ही है। दीज इंडिकेटर्स विच मेजर the rate of economic development और उसका extent यानी कितना development हुआ वो देखा जाए, तो उसको numerical या तो statistical terms के अंदर देखा जाता है। through these indicators a comparison of two countries and two time periods can be done। हम दो country की भी comparison कर सकते हैं और दो अलग अलग time period की भी comparison हम कर सकते हैं। just as thermometer measures the changes in the temperature of human body and record it, development indicators measure the country's development। यानी जैसे थर्मोमीटर अपना मेजरमेंट, ये पागल जैसा एग्जाम्पल, डोंट राइट दिस, देखने की जरूरत भी नहीं। सम ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एज फॉलोज। देखो इसमें 4 जो मैं बता चुका आपको, उसमें से आज अपने ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम कंप्लीट करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री is said to have attained economic development if there is a continuous underline karo increase in real national income of the country for a long period of time। ek word likhna agar bhul jate ho, ek word likhna agar bhul jate ho to pura answer wrong। real word hona chahiye, real per capita income या रियल नेशनल इनकम जहाँ लिखा है वो वही लिखना है, ऐसा ही लिखना है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो इंक्रीज होना चाहिए। इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई द डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई, एंड इफ नेशनल इनकम इंक्रीज इज एट अ लोअर रेट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। इफ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज तो इसका मतलब स्टैग्नेंसी। तीन लाइन में एकदम सिंपल, अगर रेट स्लो है तो इसका मतलब डेवलपमेंट धीमा हो रहा है, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब आप नेगेटिव ग्रोथ नहीं कर रहे हो, उल्टा पीछे आ रहे हो। नेशनल इनकम बढ़े ना उल्टी कम हो जाए तो मतलब कंट्री पीछे आ रही है। और द
इसको प्रोग्रेस का अपोजिट क्या होता है, प्रोग्रेस, उसका अपोजिट क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डिग्रेस बोलेंगे उसको। प्रोग्रेस का अपोजिट क्या बोलेंगे, डिग्रेस। डिग्रेस होता है इसका मतलब माइनस में, और कई बार ऐसा भी होता है कि नेशनल इनकम सेम रहे, इसका मतलब स्टेग्नेंसी, यानी सेम रहना इसका मतलब स्टेग्नेंसी। एंड इफ नेशनल इनकम डिक्रीजेस तो वो नेगेटिव डेवलपमेंट या तो अंडर डेवलपमेंट बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर रियल नेशनल इनकम एंड नॉट मनी इनकम इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। मैंने बोला आगे भी रियल नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो नेशनल इनकम आप मॉनेटरी फाइंड आउट करते हो उसको इंडेक्स नंबर से अपने डिवाइड करते हो, उस साल के इंडेक्स नंबर से अपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, देन यू विल गेट रियल नेशनल इनकम। एंड हेंस नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस, नॉट एट करंट प्राइस। अंडरलाइन करो ये, इसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको कॉन्स्टेंट प्राइस के ऊपर। कॉन्स्टेंट प्राइस यानी जो बेस ईयर की प्राइस है ना, वो प्राइस पे अपने उसको कैलकुलेट। अब ये टेबुलर एक्सप्रेशन देखो, ग्रोथ रेट कैसा था, ये टेबल अब देखना। इसमें नॉर्वे का 2.2%, अमेरिका 2.4%, श्रीलंका 4.5%, चाइना 7.3%, इंडिया 7.3% एंड पाकिस्तान 4.7%। तो अपने खुश हो गए, अपने सबसे आगे। पर आगे बताया मैंने कि इनिशियली डेवलपमेंट फास्ट होता है, देन आफ्टर स्लोस डाउन। तो नॉर्वे, अमेरिका, ये दोनों कंट्री के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी अभी भी वो 2.2 ग्रोथ रेट कर रही है। नेशनल इनकम ग्रोथ रेट अभी भी 2.2% बढ़ रहा है। इसका मतलब इतनी ज्यादा इनकम होने के बावजूद भी इनकम बढ़ती जा रही है, बात समझ रहे हो। जबकि इंडिया में अपने जमीन पे, जमीन से धीमे धीमे उठना है, तो 7.3% इज वेरी मच लो। डबल डिजिट के अंदर हमेशा ग्रोथ रेट होना चाहिए कोई भी कंट्री का। और अपने खुश हो जाते कि पाकिस्तान अपने नीचे, अपने खाली एक टारगेट, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ना चाहिए कोई भी आगे। Now limitations, there are some limitations in accepting national income as an indicator of economic development. They are as follows. देखो पहला आता है, तीन है, देखो पहले difficulty in calculating the true national income. Exactly यही answer आप 11th standard के अंदर कर चुके, ये limitations. क्या लिखा है, double counting, एक ही चीज को दो बार काउंट करना, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए कोई चीज घर पे ले जाना, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, कौन सी मेथड डेप्रिसिएशन की यूज करें, इलीगल इनकम जिसका कोई हिसाब नहीं देता, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स भरना ही नहीं, और टैक्स इवेजन, टैक्स भरना लेकिन चोरी करना उसके अंदर, बार्टर ट्रांजेक्शन, लेन देन होता है, पैसे इन्वॉल्व नहीं है जिसके अंदर, इलिटरेसी, अनपढ़ लोग, एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन, सुबह कुछ लोग रिक्शा चलाता है, शाम को कोई गाड़ी पे काम करेगा, वो दो दो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो दोनों जगह से इनकम आती है, तो एक इनकम बताए, एक इनकम ना भी बताए, मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, एंड हेंस नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रू मेजरिंग रोल ऑफ द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। यानी इसको असल में जैसा बोलते हैं वैसा मेजरिंग रोड नहीं बोल सकते, जैसा आपने बोले ने वैसा नहीं, कारण के इतने सारे प्रॉब्लम जिसके अंदर है। मैंने बोला था एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन अपने पॉइंट पे लिखे थे, राइट ना, तो ये जो चीजें ना उसके कारण नेशनल इनकम प्रॉपर नहीं गिनी जा सकती। नाउ सेकंड डे देखो, इसके अंदर पॉपुलेशन, अब सोचो पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए कि कितनी आपकी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन, 10 साल पहले पॉपुलेशन कम थी, 10 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नेशनल इनकम के ग्रोथ रेट से अगर ज्यादा हुआ तो डेवलपमेंट पीछे चला जाएगा। यानी आप अगर 3% नेशनल इनकम में ग्रोथ कर रहे हो और 4% पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फायदा नहीं उल्टा 1% का नुकसान हो गया, वो भी कंपाउंड रेट के ऊपर। तो याद रखना है कि नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट अगर पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से कम हुआ तो डेवलपमेंट इज सेड टू बी नेगेटिव। तो हमेशा ये क्या होना चाहिए, ग्रोथ रेट हायर होना चाहिए, इससे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से ये हायर होना चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिव आएगा। नाउ
डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वो भी अपने पिछले साल सीखे थे। तीन अलग अलग मेथड, पहली इनकम मेथड, दूसरी एक्सपेंडिचर और तीसरी प्रोडक्शन मेथड, यानी टोटल आउटले मेथड जिसको बोलते थे। तो ये तीन में से कौन सी मेथड अपने यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक मेथड यूज करता हूँ तो अगर कंपेयर करना चाहूँ ने तो वही मेथड दूसरी कंट्री के अंदर भी यूज होनी चाहिए, लेकिन अगर एक कंट्री अलग मेथड यूज कर दिए, दूसरी कंट्री अलग मेथड यूज कर दिए, तो कंपेरिजन इज नॉट पॉसिबल, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पे कंट्री की अगर नेशनल इनकम, दो कंट्री की नेशनल इनकम तो अलग अलग मेथड से अगर हम मेजर करते हैं तो उस वक्त हम कंपेरिजन आसानी से नहीं कर पाते। तो ये हुआ तुम्हारे तीन अलग अलग लिमिटेशन। देखो इसमें मैंने टिक नहीं कराया क्योंकि इसके मेन पॉइंट है, खाली याद रखो इसके जो मेन पॉइंट है ना वही आपको याद रखो।